मैं प्राध्यापक एलबी गायकवाड़ आज आपके सामने एक विचार मंथन लेके आया हूँ। विचार है, सच में हम एक दूसरों से प्यार करते हैं क्या? सच में हम एक दूसरों से प्यार करते हैं क्या? इस विषय पर आज मैं विचार कर रहा हूँ, आपके सामने एक विचार ला रहा हूँ। यह जो मेरा विचार है यह थोड़ा हटके है। ऐसा नहीं है कि आदमी आदमी से प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, अच्छा ही नहीं करता, वह करता है। लेकिन अंतिम यह एक सत्य है कि आदमी आदमी से प्यार नहीं करता। इसी सोच में आज मैं जा रहा हूँ और आपके सामने सच में हम प्यार करते हैं क्या, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। तो हम जब यहाँ पर विचार करते हैं कि सच में हम प्यार करते हैं क्या, तो उत्तर मिल जाता है, हम एक दूसरों से बिल्कुल ही प्यार नहीं करते। यानी आदमी खुद को ही प्यार करता है, खुद पर ही इसका उसका विश्वास होता है और खुद को ही वह बहुत ही स्मार्ट समझता है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, लेकिन वह एक दूसरों से नफरत ही करते हैं, प्यार बहुत ही कम करते हैं। तो इस विषय पर आज मैं कुछ बातचीत कर रहा हूँ। देखिए, तो सच में हम प्यार करते हैं क्या, तो उत्तर मिल जाता है नहीं। माँ बेटे से प्यार करती है, तो उत्तर मिल जाता है नहीं। पत्नी से पति प्यार में पागल है क्या, तो उत्तर मिल जाता है नहीं। यानी पत्नी भी पति के प्यार में पागल नहीं है, पति भी उसके प्यार में पागल नहीं है। यदि अंतिम बात आ जाती है तो वहां पर वह खुद को ही महत्व दिया करते हैं। बाप प्यार करता है बच्चे से, तो नहीं। बहन भाई से प्यार करती है, तो नहीं। भाई बहन से प्यार करता है, तो भी नहीं। खानदान खानदान से भी प्यार नहीं करती। देखिए, हमने देखा, महाभारत में देखा, देखिए हम अभी भी घरों घरों में देख रहे हैं, तो खानदान खानदान को नहीं हो रही है और एक दूसरों के खिलाफ वह जा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का संतुलन बहुत बिगड़ गया है। इसी वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया है। आदमी खुद से भी प्यार नहीं करता, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एक तो अनुभव ऐसा है कि आदमी खुद से भी प्यार नहीं कर रहा है, क्योंकि वह नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, उसके दिल में जो भी आए वह कर रहा है, आत्महत्या वह कर रहा है। यदि देखिए, वो खुद की आत्महत्या करेगा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सच में हम प्यार करते हैं, या आदमी सच में खुद के साथ प्यार करता है, ऐसा भी नहीं दिख पा रहा है। तो इस विषय पर कोई चर्चा हो सके, इसलिए मैं आपके साथ में बोल रहा हूँ। और इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे और थोड़ा बदल होगा, ऐसा मेरा यहाँ पर कहना है। नागरिक देश से प्यार करता है क्या, तो उत्तर मिल जाता है, बिल्कुल नहीं। आदमी यह देश से भी प्यार नहीं करता है, देश देश को बिकने जा रहा है आदमी, यानी दिखा रहा है कि देश के साथ मेरा बहुत ही प्यार है, मैं देशभक्त हूँ, वो देशभक्ति का गीत भी गा रहा है। लेकिन अंतिम में हम जब विचार करते हैं तो ऐसा दिख रहा है कि वही आदमी खुद से ही प्यार करता है, खुद के लिए बहुत संपत्ति उसने इकट्ठा की हुई है, लेकिन जब वो मरेगा या जब वह मरता है और अपने घर में ही वो खुद पड़ा रहता है और घर के तरफ या किसी अच्छी चीज की तरफ वो देखता है, तो उसे लगता है मैंने क्या कमाया और मैंने किसके लिए किया, क्योंकि वो तो चला जाएगा, बाद में सभी यही पड़ा रहता है। तो जब वह मरता है तो उसी वक्त भी उसके चाहने वाले उसके साथ नहीं होते, तो
तो यहाँ पर यह बात बहुत ही अच्छी निकल गई है कि सच में हम प्यार करते हैं क्या। तो बिल्कुल हम सच में प्यार नहीं करते। अभी अभी हम देख रहे हैं कि आदमी आदमी से नहीं प्यार कर रहा है। किसी भी आदमी का उदाहरण ले लो, वह दूसरे आदमी के बारे में झूठी बोल रहा है, उसकी निंदा ही वह कर रहा है। तो यह बातें ऐसा बता रही है कि आज आदमी आदमी में बहुत ही फर्क आ रहा है। प्राणी प्राणी से प्यार नहीं करता। देखिए, दो कुत्ते जब जब एक साथ जब संघर्ष करते हैं तो उस संघर्ष से ऐसा निकलता है कि निसर्ग में भी प्राणी एक दूसरों से प्यार नहीं करते हैं। तो यह सभी बातें देखकर ऐसा लगता है कि सच में हम प्यार करते हैं क्या। तो नहीं करते। आदमी को भगवान ने, ईश्वर ने बुद्धि दी हुई है। इस बुद्धि के अनुसार आदमी ने आदमी के साथ प्यार करना चाहिए। यह बात यहाँ पर निकलती है। प्राणियों का अलग ढंग है, वह बुद्धि से नहीं चलते, इसलिए प्राणी प्राणी से प्यार नहीं करता। यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन आदमी आदमी के साथ प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, विश्वास नहीं रखता, ये बात यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है। तो पति पत्नी होते हैं, घर में देखिए, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो आज आदमी के पास बहुत पैसा है, लेकिन आदमी बिल्कुल खुश नहीं है, वह बिल्कुल ही आनंदी नहीं है, पत्नी आनंदी नहीं है, बाल बच्चे आनंदी उसके नहीं है। तो यह सभी बातें ऐसा यहाँ पर दिखलाती है कि या दिखाती है कि यहाँ पर आदमी यानी आदमी ही महत्व का है पृथ्वी पर, लेकिन आदमी यहाँ पर बिल्कुल ही सुखी नहीं है क्योंकि वो सच में एक दूसरों के साथ प्यार नहीं करता। अभी हम बोलेंगे शिष्य और गुरु के बारे में। शिष्य है, शिष्य पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद वह शिष्य गुरु को भूल जाता है। गुरु वैसा रहा तो अच्छा रहा, तो वह गुरु मानता नहीं है, चलो भाई ये भूल गया तो भूल गया, ऐसा वो समझ सकता है। लेकिन यदि गुरु भी शुरू हो जाए तो वह गुरु भी शिष्य से प्यार नहीं करता और शिष्य गुरु से प्यार नहीं करता। यह शिष्य गुरु की एक परंपरा यहाँ पर अभी बन गई है। वैसा देखा जाए तो जो गुरु थे, गुरु की जो व्याख्या थी वो बहुत ही अच्छी थी। गुरु शिष्य से बहुत प्यार करता था और शिष्य गुरु से बहुत प्यार करता था, लेकिन यह बात अभी हमें नहीं दिखती। दूसरी बात मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि विश्वास विश्वास से प्यार करता है क्या। आदमी का भरोसा, आदमी का जो भरोसा होता है वह आदमी के भरोसे से प्यार करता है क्या। तो यह बात भी यहाँ पर झूठ निकल आती है कि किसी का किसी पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं, वो एक दूसरे के साथ विश्वास नहीं रखते। और यही बात अभी पृथ्वी पर बहुत चल रही है, लेकिन थोड़ी मात्रा में कुछ संभवता यह दिखती है। यानी कुछ कुछ लोग ऐसे अभी भी है कि एक दूसरों से वह विश्वास रखते हैं और वैसा बर्ताव भी करते हैं। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि जब तक वक्त रहता है उसी उसी मर्यादा तक ही आदमी आदमी के ऊपर विश्वास रखता है। बाद में यह विश्वास खत्म हो जाता है और संबंध आदमी आदमी के साथ खराब कर लेता है, झूठे कर लेता है और एक दूसरे को वह दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए हम ऐसा यहाँ पर सोचते हैं कि सभी सुखी है क्या, सच में एक दूसरों के साथ प्यार करते हैं क्या। तो उत्तर मिल जाता है बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आदमी आदमी से भी प्यार करता है। मैंने तो यहाँ पर ऐसा ही बता दिया कि आदमी आदमी से भी प्यार करता नहीं है। कोई कोई लोग तो ऐसे भी है कि वो खुद एडिक्शन कर लेते हैं, खुद की आत्महत्या वह कर लेते हैं। तो यही बातें यहाँ पर हो रही है। लेकिन यदि दूसरा अपने पर टूट पड़ता है, देखिए अभी आखिर में मैं आया हूँ, आखिर की बात यह है कि यदि दूसरा आदमी और दूसरा गठ एक गठ पर टूट जाता है या उसमें दुश्मनी हो जाती है, तो एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी टूट पड़ता है तो
उसका भाई उसके ऊपर यदि संबंध थोड़े बहुत खराब भी रहे तो वह टूट पड़ता है, यानी वह अपने भाई को मदद भी कर लेता है। ऐसी कहाँ कहाँ पर अभी भी बातें हो रही है, और यह बातें ऐसा दिखा रही है कि थोड़ा सा इकट्ठापन या थोड़ी सी यूनिटी इन लोगों में अभी भी है। और यहाँ ऐसा दिखता है कि इस माहौल से हम प्यार भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और बस इतनी ही बात आज यहाँ पर पृथ्वी पर बची रही है और बच गई है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पृथ्वी का संतुलन बना रहा है। यदि यही भी बात आदमी से बाहर चली गई और आदमी यह नहीं सोचेगा और इस पर विचार नहीं करेगा, तो बिल्कुल ही मैं बोल सकता हूँ कि सच में हम प्यार तो नहीं करते हैं, लेकिन पृथ्वी का संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा और पृथ्वी पर से आदमी यह हट जाएगा, और मुझे लगता है पृथ्वी पर आदमी नहीं बचेगा। तो इसीलिए सच में हमने एक दूसरों के साथ प्यार करना चाहिए, यह अच्छी एक बात यहाँ पर मैंने सामने लाई है। मुझे यह विचार आया और मुझे लगा कि चलो भाई हम आपके साथ बोल लेते हैं। तो यह विचार आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।